कयामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा। मोमिन परेशान खड़ा होगा कि अचानक मुस्तफा जाने रहमत मीजान पर तशरीफ लाएंगे और चुपके से अपने पास से एक पर्चा जो बंद होगा वो निकाल कर उसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। अब उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो उसका बेड़ा पार कर गए, तो वो पूछेगा कि आप कौन हैं इतने सखी इतने हसीनो जमील कि आपने मुझ पर करम फरमा कर मुझे जहन्नुम का ईंधन बनने से बचा लिया, और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे आमाल में रखा। तो गरीबों के सहारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये वो पर्चा दुरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। सुभान अल्लाह, आज योम जुमा है, कसरत से दुरूद का अहतमाम कीजिए। ये तोशा आखिरत है, रिस्क औलाद अहले खाना माल हयात में बरकत और रहमत का सबब है। हर मोमिन को चाहिए कि जुमा के दिन तयशुदा वक्त पर अपने घर अपने अहले खाना के साथ प्यारा का करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम का अहतमाम करे।